गीडा में सीएम योगी के उद्यमियों के स्टॉलों के निरीक्षण के दौरान एक कंपनी के स्टॉल में लगे ई बाइक पर सदर सांसद रवि किशन मंत्रमुग्ध हो गए और सीएम योगी के कार्यक्रम स्थल से जाने के उपरांत वापस कंपनी के स्टॉल आए और बकायदा ई बाइक को चलाकर उसका ट्रायल लिया और उसकी क्षमता से संतुष्ट दिखे। इस संबंध में VS एनर्जी टेक्नोलॉजी के फाउंडर विवेक सिंह ने बताया कि गोरखपुर में उत्तर प्रदेश सरकार ने 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट दिया है जिसमें कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बना रहे हैं। जो चाइना बनती थी वह इंडिया में बना रहे हैं। साथ ही पेट्रोल से मुक्ति पाने के लिए सस्ते में एक ई बाइक भी लॉन्च किया जा रहा है जो एक बार चार्जिंग करने पर 150 किलोमीटर चलेगी और इसकी प्राइस मात्र 90,000 रुपये है। आपको बता दें कि सदर सांसद रवि किशन ने इस ई बाइक को चलाकर ट्रायल लिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए VS एनर्जी के फाउंडर विवेक सिंह ने कहा, मेरा नाम विवेक सिंह है और बेसिकली मैं रहने वाला देवरिया से हूँ, बट अभी हम गोरखपुर के अंदर, मुझे अभी सरकार ने एक इंडस्ट्रियल प्लॉट दिया है 10,000 स्क्वायर फीट एरिया जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। जो चाइना में बनती थी वो इंडिया में बना रहे हैं और बहुत सस्ता बना रहे हैं। तो इसके साथ साथ अभी हम लोग एक ईवी बाइक भी लॉन्च कर रहे हैं जिसमें पेट्रोल से मुक्ति पाने के लिए सस्ते में इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक भी हम लोग यहाँ प्रोड्यूस करेंगे और उसकी पूरी टेक्नोलॉजी अभी हम आपको जानकारी देंगे। प्लस अभी लाइटिंग जो है ये देख रहे हैं आप, जो हैंडमेड है, दिवाली के डेकोरेटिव आइटम्स है, सोलर लैंप है, टॉर्च है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। बाकी ईवी के लिए जो हमारे टेक्निकल हैं पार्ट है ये आपको प्रॉपर ब्रीफिंग करेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है। मेरा नाम भुवनेश कुमार है, मैं कानपुर का रहने वाला हूं और मैं वर्डन मोटर्स का फाउंडर एंड सीईओ हूं। और अभी हमने ये इंडिया का इलेक्ट्रिक बाइक बनाया है जो कि एक बार चार्ज करने में 150 किलोमीटर जाती है और 90,000 तक के कॉस्ट में आएगी। और अभी हम ये गीड़ा में ही, गोरखपुर में ही इसका असेंबली प्लांट लगाएंगे। धन्यवाद। और ये क्या कहते हैं कि ये अभी हमें शारदा यूनिवर्सिटी नोएडा में DRDO की तरफ से अवार्ड मिला था जो कि वहाँ पे ऑल ओवर UP से 75 स्टार्टअप्स आए थे, उसमें से हमको द्वितीय पुरस्कार मिला। और अभी यहाँ पे गीड़ा में ही हमें फैक्ट्री की ज़मीन मिली हुई है जिसके लिए हम अभी काम कर रहे हैं और विद इन 6 मंथ हम ट्राई करेंगे कि इसको मार्केट में लॉन्च कर दें और लोगों को जो पेट्रोल है उससे मुक्ति दिलाएँ और अफोर्डेबल और पॉल्यूशन फ्री इंडिया बनाएँ।